अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिद और मैं हूं महरीन फातिमा। सबसे पहले बात करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, निगरान काबीना के अरकान, निगरान सूबाई वज़ीरे आला की भी शिरकत। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग और मुतय्यन शुदा हदाफ के बरवक्त हुसूल में सहूलत के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई है। कमेटी ने काउंसिल के तहत सरमायाकारी के फ़रोग के लिए उठाए गए इकदाम पर पेशरफ्त को इत्मीनान बख्श करार दिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पायदार मौशी बहाली में पाक फौज की जानिब से हुकूमत को मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया। कमेटी ने काउंसिल के तहत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के लिए सरकारी और निजी इदारों से तआवुन के इकदाम की तारीफ भी की। कमेटी ने सरमायाकारों के साथ मुख्तलिफ इकदाम के हवाले से मौसर तरीके से रवाबत बढ़ाने की भी तारीफ की है, जबकि हुकूमती इकदाम से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मनसूबों के हवाले से पेशरफ्त में तेजी भी आई। कमेटी ने मुल्क में सरमायाकारी के फरोग के इकदाम के साथ साथ सरमायाकारों के एतमाद को बढ़ाने के पॉलिसी इकदाम का भी जायजा लिया। फौजी अदालतों की बहाली के लिए शोहदा फोरम बलोचिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पैटिशन दायर की गई है। पैटिशन शोहदा फोरम के पैट्रन इन चीफ नवाबजादा जमाल रईसानी की जानिब से दायर की गई। नौबाई के वाकयात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। पैटिशन में शोहदा फोरम ने फौजी अदालतों की बहाली का मुतालबा किया। गुज़श्ता बरसों में मुसल्ला अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेरहमी से निशाना बनाया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्ला अफवाज के हजारों जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ है। शहदा और जख्मियों की तादाद में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट का 15 नवंबर की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया था। हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। हसीब मलिक से डिटेल से आगाह करेंगे। हसीब मलिक, बताएगा हुक्मनामा आ गया है? जी बिल्कुल, ये फैजाबाद धरना नजरसानी केस था जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज समाअत हुई थी और अदालत ने गुज़िश्ता रोज की कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। और हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला 6 फरवरी 2019 को दिया था और अदालती फैसले पर माजी के पुरतशद्दुद वाकयात का हवाला देकर मुस्तकबिल के लिए वार्निंग दी थी, जबकि तकरीबन 5 साल गुजरने के बावजूद हुकूमतों ने फैजाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर हुई जिन्हें समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं किया गया। नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना होने की सबब अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये गुज़िश्ता रोज समाअत हुई थी जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की थी, जिसका आज ये तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में ये तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद से हसीब मलिक हमें आगाह कर रहे थे। हसीब शुक्रिया। बात करेंगे सिहानी फौज गजा का नामो निशान में जाने के दर पे निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों पर हमले जारी हैं। सिहानी फौज का अलशफा अस्पताल पर मुकम्मल कब्जा, किसी को अंदर आने और बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इसराइली फौज ने अस्पताल में मौजूद 200 से जायद जख्मियों और पनाह गुजीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सहूनी फौज गजा का नामो निशान मिटाने के दर पे निहत्ते और मासूम फलस्तीनियों पर हमले जारी। सहूनी फौज का अलशिफा अस्पताल पर मुकम्मल कब्जा, किसी को अंदर आने बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइली फौज ने अस्पताल में मौजूद 200 से जायद जख्मियों और पनाह गुजीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गजा में जारी हमलों पर खामोशी का मतलब दुनिया भर में लाख कानूनियत की मंजूरी देता है। तुर्क वजीर खारजा का बयान, कहते हैं ये शर्मनाक है कि इसराइली फौज ने गजा का गैर कानूनी मुहासरा कर रखा है। उनका कहना था कि मगरबी ममालिक ने गजा में होने वाली वहशत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। मस्जिद, हस्पताल और स्कूल्स पर बमबारी पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। आलमी रहनुमा गजा में जारी वहशियाना हमलों पर खामोशी इख्तियार करके इसराइली जराइम में शामिल ना हों। इसराइली फौज फौरी तौर पर गजा में हमले बंद करे, तनाजा का हल OIC और अक्वामे मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। गजा में जारी खूनरेजी बंद की जाए, रूसी वजीर खारजा का मुतालबा। कहते हैं मॉस्को दहशतगर्दी के खिलाफ है, ताहम निहत्ते लोगों पर हमले ना किए जाएं। इनका मजीद कहना था कि गजा के लोगों को फौरी तौर पर इमदाद की ज़रूरत है। स्कूल्स, अस्पतालों, पनाह गुजीन कैंप्स पर बमबारी बंद की जाए। गजा के लोगों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है, वहाँ हंगामी बुनियादों पर इमदाद पहुँचाई जाए। रूसी वजीर खारजा ने मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इसराइली फौज की कार्रवाइयों पर भी तशवीश का इजहार किया है।
कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं कि 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ ने डिफॉल्ट से बचाकर मुल्क और आवाम को तबाहकुन हालात से बचाया। हम मुल्क को तरक्की देते हैं और जलावतनी और कैद भी काटते हैं। पाकिस्तान की करेंसी को मिट्टी में मिला दिया गया, रुपया, मैशियत और सब निज़ाम तबाही का शिकार हो गया। उनका कहना था कि मैशियत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे, आवाम को रिलीफ देना होगा। वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी, और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। मैंने कहा अपनी, मैंने शहबाज साहब की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था, स्पीच इनकी रेडी थी, मैंने स्पीच देख ली थी, और मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। हमने स्टेप डाउन नहीं किया, अनाने हुकूमत को संभाल लिया, फिर उसके बाद कड़वे फैसले भी करने पड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफॉल्ट से। हमें बहादुरी दलेरी के साथ फैसले करने चाहिए, हमारे भी एक ज़मीर है, कौमी ज़मीर है, हमारी भी एक कौम है, 25 करोड़ आवाम है, यहाँ रहते हैं, हमारा हक है कि हम यहाँ की बेरोज़गारी को दूर करें, हमारा फ़र्ज बनता है, ये राइट है हमारा कि हम उनकी बेरोज़गारी को दूर करें, पसमानदगी को दूर करें, अपने मुल्क के अंदर जहालत को दूर करें, लोगों को, बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं कि किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है कि मुझे मौका दिया जाए, वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। अब पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा, वो रेस्ट करे, इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। उनका मजीद कहना था कि महंगाई और गुर्बत आवाम के लिए बड़ा मसला बन चुकी, सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं, अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क्यादत की जरूरत है। बोले कि मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के मंशूर में है, भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। वो एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के आवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं दिन रात आपका खिदमत करूंगा। मैंने ये साबित कर दिया है कि जब नौजवानों को मौका दिया जाता है तो फिर नौजवान काम करके भी दिखा सकते हैं। आपस की लड़ाइयां नफरत की सियासत, तकसीम की सियासत में ना पड़े, मगर अपने आवाम की खिदमत की तरफ तवज्जा दे। जो आजकल के मसाइल हैं उनका हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें रास्ता दिखाया है और अब हमने सिर्फ उसी रास्ता पे चलना है। तो वहीं साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि अनोखा डाडला बलोचिस्तान की 16 सीटों में से 3 सीटें लेगा। उनसे कहना चाहता हूं, फैसला आसमानों पर होता है, 3-4 सीटें मौलाना फजल रहमान ले लेंगे। मजीद कहा कि आसिफ अली जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलते हैं। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूं, फैसला आसमानों पर होता है, अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो रजाई भी ले ली है। लाडला जो है 16 सीटें हैं बलोचिस्तान की, अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजल रहमान ले लेगा, और आसिफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। 70-80 केसेस में मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए, और अगर मैंने जेल से ही इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रजाई कल मैंने ले ली है लाल शनील की। किसी के खिलाफ, किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। मैं अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों का है।
बात करेंगे हुकूमत का जनवरी 2024 से गैस की कीमतें फिर बढ़ाने का फैसला किया गया है। आईएमएफ को तवानाई शोबे के टैरिफ पर नजरसानी से आगाह कर दिया गया है। निगरान वजीर खजाना के मुताबिक रियल स्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर अजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ है। FBR के 9,415 अरब के टैक्स हदफ का हुसूल पहली तरजीह है। शमशाद अख्तर की जानिब से ये कहा गया है। आपको बता रहे हैं कि रियल स्टेट और रिटेलर समेत मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने का अभी फैसला नहीं हुआ, निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा। स्टॉक मार्केट में 717 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 57,397 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। IMF से हुकूमत को शाबशी मिलने के बाद रुपया भी डॉलर के मुकाबले संभलना मुश्किल हो गया। 11 माह में अपने इन्वेस्टर्स को 40% मुनाफा दिखाने वाली पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आए रोज बुलंदी के नए रिकॉर्ड बना रही है और इसका शुमार खित्ते के बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले शेयर बाजारों में हो रहा है। ब्रोकर्स का कहना है कि कर्ज की दूसरी किस्त मिलने की IMF से रजामंदी, तेल मसनूआत की कीमतों में कमी, शरह सूद घटने की उम्मीद और मुआशी असलाहत के बायस मार्केट में इन्वेस्टर्स पुरजोश नजर आ रहे हैं। आलमी मालियाती इदारे का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद 17 रोज से मुसलसल कदर खोते रुपए ने आज रिवर्स गेयर लगाया। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे कमी से 287.38 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 289 रुपए का हो गया। आपको बराह रास्त ले चलेंगे निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। शाहदरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर रहे थे, अब गुफ्तगू कर रहे हैं। इलाका होगा एक चीज, चंद एक शाहदरा वाले मुझे थोड़े दिन पहले मिले, उन्होंने कहा जी ब्रिज तो बन जाएगा लेकिन हमारी मट्टी तो उस तरह की उस तरह रहेगी। DGPHA यहाँ पे मौजूद हैं, इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरी हाउसिंग यहाँ मौजूद है, हमारा ये वादा है आपसे कि ये 8-10 दिन का इसका साइडों का काम रह गया है वो हम ख़त्म करके आपकी ये मिट्टी यहाँ पे ख़त्म करके इसी तरह पौधे और फूल लगेंगे जिस तरह गुलबर्ग में या किसी और लाहौर के पोश इलाके में लगते हैं। तो ये शाहदरा जो है हम किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से हम कम नहीं रहने देंगे बल्कि उससे बेहतर करेंगे। आखिर में वो तमाम लोग जिन्होंने ये 10 माह का काम 6 महीने से भी कम अरसे में मुकम्मल किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं मैक्सन, जिसमें मिनिस्टर्स हैं, जिसमें LDA के DG हैं, LDA की पूरी टीम है, जिसमें लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम है, जिसमें लाहौर पुलिस की टीम है जो ट्रैफिक से ले कर हमारे इशूज़ को सॉल्व करवाती रही, जिसमें मीडिया के लोग हैं जो तकरीबन 10-15-20 दफ़ा हमारे साथ यहाँ पे विज़िट पे आते रहे, हो सकता है उससे ज़्यादा ही आए हों। तो तमाम लोग जो जो इसमें हिस्सा डालते रहे और नेस्पाक जिसने क्वालिटी को इंश्योर किया है और करना है जब तक ये काम पूरा 100% ख़त्म नहीं हो जाता, तो वो तमाम लोग इस आज के दिन के मुबारकबाद के मुस्तक भी हैं और इस खुशी में शामिल हैं जिन्होंने अपना हिस्सा डाला। और आप यकीन माने कि चाहे दिन था या रात थी, ये जितने लोगों के नाम लिए ये टीम जो है वो दिन रात इस प्रोजेक्ट पे काम करती रही है और उसी की वजह से ये प्रोजेक्ट तकरीबन आधे टाइम में मुकम्मल हुआ है। और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये अगले 10-12 दिन में इसके साइडों का काम मुकम्मल हो जाएगा। 15 दिसंबर को ये मामिया कॉलोनी वाला ब्रिज भी होपफुली ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा इंशाल्लाह। और 60 डेज में दोबारा से जिस तरह मैं कहूँ ये मैक्सन जो है हमें रावी का ब्रिज जो है वो कंप्लीट करके देगी जो इन्होंने वादा किया है इंशाल्लाह। तो सबके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला ख़ास तौर पे शाहदरा की पब्लिक के लिए इंशाल्लाह ताला ये शाम को रात को अभी घंटे तक ट्रैफिक के लिए खुल जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खिताब कर रहे थे। शाहदरा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब जारी थी और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खिताब कर रहे थे लाहौर में। उन्होंने कहा कि 3 लाख के करीब रोज़ाना गाड़ियाँ शाहदरा फ्लाईओवर से गुजरेंगी। मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया है। लाहौर में शाहदरा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब जारी थी जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी खिताब कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट और देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि यह है खबर की दुनिया।